भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है। रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद आज नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे विजय हुए। 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे को 225 सदस्यीय सदन में 134 सदस्यों का मत हासिल हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ। मुकाबला कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और दो और लोगों के बीच में था। आज संसद में मतदान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंकाई संसद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी और चाक चौबंद कर दी गई थी। एक ओर जहां संसद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जनता का मौन विरोध प्रदर्शन चल रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद में 44 साल में पहली बार आज सीधे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा दुल्लास और अनुरा कुमारा मैदान में थे। 225 सदस्यीय सदन में जादुई आंकड़ा छूने के लिए 113 का समर्थन चाहिए था। रानिल विक्रमसिंघे को इसके लिए 16 और वोटों की जरूरत थी। विक्रमसिंघे को तमिल पार्टी के 12 वोटों में से कम 9 पर भरोसा था। हालांकि विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं और जिसके बाद वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।